इस बात में कोई डाउट नहीं कि अनुपमा टीवी के सबसे पॉपुलर शोज में से एक है। शो को शुरू हुए 4 साल हो गए हैं और तब से ये लगातार TRP पर नंबर 1 पर बना हुआ है। बीते दिनों कई एक्टर्स ने शो को अलविदा कह दिया था, जिसकी वजह से ये काफी समय तक सुर्खियों में रहा। वहीं अब सीरियल में 15 साल का लीप दिखाया गया है। इसके बाद से शो की कहानी पूरी तरह से बदल गई है। पुराने कलाकारों की बात करें तो अभी आपको शो में रूपाली गंगुली के अलावा बाकी सारे नए कलाकार ही नजर आएंगे। गौरव शर्मा, जो आशीष मेहरोत्रा के जाने के बाद से शो में तोशु का किरदार निभा रहे थे, उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना के व्यवहार को लेकर बात की। एक इंटरव्यू में गौरव ने कहा, खन्ना का यार मैं कभी समझ नहीं पाया, मतलब थोड़ा सा ऐसा लगता था कि कुछ ऑफ है, लेकिन वो भी हो सकता है कि 4 साल से साथ में काम कर रहे हैं तो ऑफ थोड़ा बहुत हो जाता है आपस में। मेरा मानना है कि जितना अधिक आप किसी के करीब आते हैं उतना ही अधिक आपको उनकी कमियों के बारे में पता चलता है और फिर आपको उस व्यक्ति से परेशानी होने लगती है। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे इस मामले में पढ़ना कभी भी इतना जरूरी नहीं लगा। सेट पर रूपाली के काम को देखते हुए गौरव ने कहा कि उनके जितनी मेहनत कोई नहीं कर सकता। शो के पहले दिन और आज 4 साल बाद भी उनकी एनर्जी वही है, चाहे रात के 12 बजे हो या सुबह के 6, रूपाली हमेशा सेम एनर्जी में दिखती है। वो सेट पर हमेशा तैयार होकर आती हैं और सीन जानने के लिए वहीं खड़ी रहती हैं। ड्यूप को खड़े नहीं होने देती। अगर वो किसी सीन का हिस्सा है तो उसमें अपना 100% देती हैं। बता दें कि पिछले काफी समय से ये बात मीडिया में आ रही थी कि रूपाली और गौरव खन्ना का व्यवहार सेट पर एक दूसरे के प्रति ठीक नहीं है, इनके रिश्ते में खटास आ गई है। हालांकि दोनों ही एक्टर्स मीडिया में इस बारे में बातचीत करते नहीं दिखे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही दिलचस्प जानकारी पाने के लिए हमारा चैनल फॉलो करें।